खबर ग्वालियर से है, जहां लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देने और जागरूक करने के लिए फूलबाग चौराहे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस बल भी जागरूकता अभियान में शामिल हुआ और लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को जहां यातायात के नियमों की जानकारी देने पंपलेट वितरित किए गए, तो वहीं ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करने और हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की समझाइश भी दी गई। शुद्ध गांधीवादी तरीके से चले इस जागरूकता अभियान में आम जनों ने भी सहभागिता दिखाई। लॉयंस क्लब ग्वालियर के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में यहाँ पर फूलबाग चौराहे पर अभी दोपहर से ये ट्रैफिक के संबंध में, यातायात के संबंध में आम जन को जागरूक करने के लिए बहुत बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तारतम्य आप लोग पंपलेट वितरित कर रहे हैं और रोक रोक के जो ऑटो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं या आम दोपहिया चालक हैं, फोर व्हीलर वाले हैं, उनको इसके संबंध में जागरूक कर रहे हैं कि भाई रेड लाइट है तो आप रुके, ठीक है ना, दूसरी साइड से ट्रैफिक आएगा, एक्सीडेंट की पूरी पूरी संभावना है। पूरे सिग्नल के बारे में आप बता रहे हैं कि रेड लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है और येलो लाइट का क्या मतलब है।